नमस्कार, मैं अनुष्का आपका स्वागत करती हूँ दी ऑर्डरिंग में। आरपीएन सिंह जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस डूबती हुई, जब कांग्रेस की लहर थी तब कांग्रेस ने ऐसे ऐसे लोगों को नेता बनाए हैं कि कोई सोचेगा वे क्या। पर अब जब कांग्रेस की लहर कमज़ोर हो गई है, जब कांग्रेस की नैया डूबने लगी है, तब सदस्य नाव बचाने की जगह नाव छोड़ रहे हैं। कुछ ऐसा ही केस है आरपीएन सिंह के साथ। पिछले कई सालों से आरपीएन भाजपा ज्वाइन करना चाहते थे, पर जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य भाजपा में थे तब तक उनका वो ज्वाइन करना काफी मुश्किल था। पर अब जब मौर्य ने पार्टी छोड़ दी है तो आरपीएन सिंह ने आखिरकार भाजपा ज्वाइन कर ली। इस मौके पर आरपीएन ने पीएम मोदी और सीएम योगी की तारीफें करी, वहीं उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल भी खड़े कर दिए। बीजेपी ज्वाइन करने के बाद आरपीएन ने जेपी नड्डा, पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद किया, साथ ही साथ उन्होंने सीएम योगी की काफ़ी तारीफें करी। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव, यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग ठाकुर भी मौजूद थे। साथ ही साथ मैं बता दूं, कांग्रेस में रहते हुए आरपीएन स्वामी के लिए बिल्कुल घातक नहीं थे, पर अब जब वो बीजेपी में आ गए हैं तब आरपीएन सिंह स्वामी के लिए मुश्किल बन सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक पता चला है कि आरपीएन को स्वामी के खिलाफ कुशीनगर विधानसभा सीट से उतारेंगे। आरपीएन के पार्टी छोड़ने पर कांग्रेस नेता जीतू पटवारी जी ने लिखा कि जिन्हें बिना परिश्रम करे राजनीतिक विरासत मिल जाती है, जो फैमिली बैकग्राउंड के वजह से राजनीति में आ जाते हैं, जो राजनीति को प्रोफेशनलिज्म समझते हैं, उनके दल बदलने की चिंता बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका मन अफसर के साथ चलता है, साथ बदलता है। साथ ही साथ स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा का कोई भी कार्यकर्ता आरपीएन सिंह को हरा देगा। आरपीएन पर एक कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेट ने कहा कि ये लड़ाई कांग्रेस की है, इसके लिए मजबूत रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने आगे आरपीएन को डरपोक लिखते हुए कहा कि इस लड़ाई में डरपोक नहीं लड़ सकते। कुछ सदस्यों ने ट्विटर पर लिखा, हैवी वेट या डेड वेट, जिन्होंने सालों से एक सीट नहीं जीती वो चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें हमारी वीडियोज़, एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।